Next question. Question says two vector A and B lie in a plane. Another vector C lies outside this plane. Then the resultant of these three vectors, i.e. A plus B plus C, आपने को चार ऑप्शन दिए हुए हैं. It says can be zero, cannot be zero, lies in the plane containing A plus B and lies in the plane containing C. Now बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. ये अपने वेक्टर के बेसिक चेक कर रहा है सवाल. सो हमें ये दिया हुआ है दो वेक्टर जो हैं वो A और B वेक्टर. लेट्स से ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों इस बोर्ड के प्लेन में लाए करते हैं. तीसरा वेक्टर जो है वो इस बोर्ड के बाहर है, मे बी परपेंडिकुलर मे बी इन एनी अदर डायरेक्शन. वो वाला वेक्टर इनके सेम प्लेन में नहीं है, सी वेक्टर इज आउट ऑफ दिस प्लेन. राइट. सो अब सवाल ये है कि जब हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर करेंगे तो उनका तीनों का सम क्या आएगा. ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है बिकॉज ए प्लस बी क्योंकि एक वेक्टर में है. तीसरा वाला जो वेक्टर है इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ. ये दो वेक्टर हैं ब्लू और ब्लैक, मान लीजिए दोनों इस प्लेन में वेक्टर हैं. तीसरा वेक्टर मान लीजिए इस प्लेन के बाहर इस तरह से है. सो इस कंडीशन में जब हम बात कर रहे हैं इन तीन वेक्टर्स की इस प्रकार, तो ए और बी का सम जो है वो इनका जो सम आएगा इनको जब हम ऐड करेंगे उसी प्लेन में आएगा. ये वेक्टर जो आउट ऑफ दिस प्लेन है उस इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज इसका जो कंपोनेंट्स अगर हम करेंगे इसके कंपोनेंट एक इस प्लेन में लेंगे और इसके परपेंडिकुलर लेंगे, इस परपेंडिकुलर को जीरो करने के लिए कोई और फोर्स नहीं है. सो इन दैट केस हम कह सकते हैं फॉर श्योर डेफिनेटली इन तीनों का सम कैन नॉट बी जीरो. राइट. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर.